YouTube चैनल विनेश टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जो माइडिया का जो स्प्लिट एसी है वो 1.5 टन का स्प्लिट एसी है। इसका इंडोर यूनिट कैसे खोलते हैं, इसका लॉक कहाँ रहता है, इसका स्क्रू कहाँ रहता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एसी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये माइडिया का एसी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो MIDEA माइडिया। तो ये माइडिया का एसी है और जो है इसका इंडोर यूनिट, इसका ओपन कैसे होता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं बताने वाला हूँ, अगर ऐसा देख लेंगे तो आपसे लॉक कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि लॉक टूटने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे और इसकी मैं इसको चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ये नीचे रख के ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इजी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर जो रहता है हैंग रहता है वॉल पे, अगर वहां पे ओपन करेंगे तो भी आसानी से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो लॉक देख लेना है, लॉक जो है इसमें चार लॉक रहता है, राइट साइड में दो लॉक रहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, एक लॉक, दो लॉक और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीन लॉक और ये चार लॉक, ये चार लॉक रहता है। ये लॉक जो है हमको बहुत ही आसानी से बहुत ही सावधानी से ओपन करना है। और इसमें स्क्रू कहाँ कहाँ रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रू रहता है, यहाँ पे स्क्रू रहता है और यहाँ पे स्क्रू रहता है। और इसको हम जब ओपन करेंगे फ्लैप को साइड से ओपन करना होता है, आपको पता होगा। यहाँ से फ्लैप को ऐसे साइड से जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्रू रहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रू रहता है, यहाँ पे स्क्रू रहता है। और डिस्प्ले को आसानी से ध्यान से खोलना है। तो इसका मैं जो है ये जो यहाँ पे कवर दिख रहा है स्क्रू के ऊपर, ये मैं सबसे पहले निकाल लूंगा। देख पा रहे होंगे आसानी से आपको निकाल लेना है, एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो पतले टेस्टर वगैरह का यूज करना है यहाँ पे, अगर जब इसको निकाल रहे हैं तो। और उसके बाद से जो है सबसे पहले आपको इसको ओपन करने के लिए, सबसे पहले आपको मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रू ओपन करने से पहले इसको आपको जो है इसका फ्लैप है वो ओपन कर लेना है। ये आपको जो फ्लैप दिख रहा है इसको जो है आपको निकाल लेना है। तो इसको सबसे पहले फ्लैप निकालने के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ से बस ये जो ब्लैक वाला जो आपको यहाँ पे पट्टी दिख रही है इसको ऐसे पुश करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। देख पा रहे हूँ मैं सिर्फ एक उंगली से ही निकाल पा रहा हूँ, आराम से एक उंगली से निकाल पा रहा हूँ। इसको जो ब्लैक वाली पट्टी को पुश करेंगे इधर की तरफ तो ये निकल जाएगा। देख पा रहे होंगे इसको अब आराम से इसको इधर निकाल लेना है। जब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे जो हमारा मोटर रहता है यहाँ पे, इसको हम बाहर की तरफ इसको पुल कर लेना। आप देख पा रहे होंगे पर जैसे मैं पुल करूंगा ये निकल जाएगा। देख पा रहे होंगे एकदम आसानी से निकल जाएगा, इसमें थोड़ा भी जबरदस्ती ना करें। तो इसको भी हम ऐसे ही जो है निकाल लेंगे। देख पा रहे होंगे मैं एक हाथ से निकाल दे रहा हूँ, अगर दोनों हाथ लगाएंगे तो बहुत ही आसान इजी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इधर से निकालने के बाद ये राइट साइड में हमेशा मोटर रहता है, तो राइट साइड को ऐसे पुल करेंगे तो ये निकल जाएगा। देख पा रहे होंगे आप ये बहुत ही आसानी से निकल चुका है। अब हमको स्क्रू जो है इसका ओपन कर लेना है, जितना भी स्क्रू लगा है वो ओपन कर लेना है। तो जो भी स्क्रू लगा हुआ है सबसे पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। पहले सबसे पहले फ्लैप को जो है हम अच्छी जगह पे रख देते हैं और ये भी रख देते हैं। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, स्क्रू को ओपन कर लेना है आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्क्रू सारा ओपन कर लेना है। इसमें माइडिया का जो 1.5 टन गैस है, इसमें मॉडल नंबर के हिसाब से जो है इसका जो है स्क्रू रहता है। तो इसमें 6 से 7 स्क्रू है सिर्फ। ये तीसरा स्क्रू मैं ओपन कर रहा हूँ। याद रखिए आप किसी भी यूनिट पे काम करें तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप टाइम ले, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम ले कि आपका एसी जो है ओपन कैसे होगा, खुलेगा कैसे एसी का कवर। अगर आप कवर खोल रहे हैं तो सर्विसिंग के लिए या फिर कोई भी काम के लिए अगर कवर खोल रहे हैं तो 10 मिनट टाइम ले, उसको देखें कि कैसे खुलेगा, उसके बाद ही काम करें। ये ओपन हो चुका है, उसके बाद से हमको जो है फिल्टर निकाल लेना है। फिल्टर आपको पता होगा एकदम आसानी से फिल्टर निकाल सकते हैं, इसको फिल्टर को निकाल लेना है। उसके
उसके बाद से हमको ये फ्लैप, ऊपर वाला जो फ्लैप है निकाल लेना है। ये फ्लैप में आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इसको जो है, ये वाला जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है ये जो फ्लैप में आ रहा है, इसको जब बाहर की तरह ऐसे इस तरीके से अगर पुल करेंगे तो आसानी से ये लॉक से निकल जाएगा। यहाँ पे लॉक रहता है तो आपको सिंपली जो है इस तरीके से इसको जो है बाहर की तरफ पुल कर लेना है। और उसके बाद से जो ये वाला लॉक है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके, तो बस लॉक देखना है आपको, इसका लॉक का डिजाइन कैसा है। और उसके बाद से जैसे यहाँ पे आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बस सिर्फ सिंपल हमको इसको पुल करेंगे, पुश करेंगे आउटसाइड की तरफ तो ये है ओपन हो जाएगा। अगर नहीं, अगर पुल हो पा रहा है तो आप स्क्रू ड्राइवर का भी मदद ले सकते हैं। मैं हाथ से ही इसको करने की कोशिश करूंगा। याद रहे इसको आराम से पुल करना है, जो थोड़ी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। इसका लॉक देख लेना है कैसे है और आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद इसको निकाल लेना है, निकाल के कहीं इसको सेफ जगह पे रख लेना है। और उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये इसका लुक दिख रहा है। तो इसके बाद से हमको सिंपली जो है सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ पुल कर लेना है, ऐसे आप देख पा रहे होंगे। और इसके इससे पहले आपको जो है, अगर आप इसको अगर ये डिस्प्ले को खोलना चाहते हो डिस्प्ले खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी पुल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक रखता है, यहाँ पे लॉक रखता है, तो इसको आपको ध्यान से ओपन करना है। देख पा रहे होंगे आप, ये वाला स्क्रू ओपन नहीं हुआ है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है खुलने में। हाँ, ये भी ओपन हो चुका, तो अब आसानी से ही ये ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं दोनों हाथों का सहारा ले लेता हूँ। और आपको याद रहे इसको जब ऊपर कर लेंगे, इसको जब ऊपर कर लेंगे, चलिए मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ दोनों हाथों का, नहीं सिंगल हाथ से ही दिखाता हूँ ताकि अगर आप दोनों हाथ से खोले तो आपको आसानी रहो। तो आपका ये डिस्प्ले का वायर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले का वायर है, डिस्प्ले का यहाँ पे वायर लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है। तो डिस्प्ले का कनेक्टर जो है पुल कर लेना है इस तरीके से, तो आपका डिस्प्ले अलग हो जाएगा। उसके बाद से जो है आपको जो सिंपली देख पा रहे हो यहाँ पे, इसको पीछे आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, एकदम आसानी से ये ओपन हो जाएगा। तो इसको जो है आपको सिंपली ऐसे करना है, पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है याद रखे, और धीरे से ऊपर की तरफ पुल कर लेना है। देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ पुल कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक ही हाथ से खोल के दिखा रहा हूँ, अगर आप दोनों हाथ से खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खुलने के बाद ये कैसा दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद से चलिए हम लगा देते हैं। इसके लगाने का प्रोसीजर क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है, जो हमने इसका ग्रिल का कवर खोला है, इसको हमको इसके अंदर डाल लेना है। और आपका जो है लॉक बैठना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आगे से कभी भी लॉक बैठाने के लिए आगे से इसको थोड़ा उठाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। अगर उठा लेंगे, देख पा रहे हैं इस तरीके से उठा लेंगे, तो पीछे का जो लॉक है बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मोबाइल को रख देता हूँ, और इसको लॉक को हमेशा ध्यान देना है कि लॉक इसका बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आपको जो है ये ग्रिल को जो ओपन करके ऐसे ऊपर की तरफ करके आपको लॉक बैठा लेना है। आपको लॉक जो है पीछे से हमेशा बैठेगा, जब पीछे से लॉक बैठ जाएगा, मैं आपको देख पा रहा हूँ मैं पीछे से लॉक बैठा दिया हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पीछे से मैंने सारा लॉक बैठा दिया है। और आगे का कंडीशन कैसा होना चाहिए आप देख लीजिए, आगे का जो इस तरीके से दिखेगा। जब पीछे का लॉक बैठ जाएगा तो आपको आसानी से, जैसे मैं आप देख रहे सिंगल हैंड लगा के यूज करके जो है इसको बता देता हूँ, सिर्फ सिंगल हैंड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डुअल हैंड लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे अगर पीछे का लॉक बैठ गया तो आगे का लॉक एकदम आसानी से बैठ जाएगा। देख पा रहे होंगे अभी मैंने एक भी स्क्रू नहीं लगाया, लेकिन फिर भी लॉक जो है इसका बैठ चुका है पूरी तरीके से। अब हमको यहाँ पर भी लॉक रहता है, ऊपर का लॉक हमको बैठा लेना है, यहाँ पे भी लॉक रहता है,
ये देख पा रहे होंगे कि मैं अभी स्क्रू भी नहीं लगाया हूँ तो भी इतना अच्छे से बैठ चुका है। तो अब हम इसको स्क्रू को टाइट कर लेना है, जो जहाँ पे स्क्रू था उसको टाइट कर लेना है। देख पा रहे होंगे आप, उसके बाद से हमको ये वाला स्क्रू जो लगा लेना है, इसका जो हमने स्क्रू रखा हुआ है यहाँ पे स्क्रू लगा लेते हैं एक, ये एक और जितना इसमें अगर पूरा स्क्रू है तो पूरा स्क्रू लगाने की कोशिश करें, एक भी स्क्रू मिस ना करें, क्योंकि अगर स्क्रू नहीं लगाएंगे तो आपका इंडोर यूनिट से साउंड आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर बॉडी आपका हिलेगा, इसका ग्रिल कवर हिलेगा तो ये जो है साउंड आने के चांसेस रहते हैं। देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे ये स्क्रू भी लगा चुका हूँ। अब इसका ऊपर का फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर लगाने के बाद जो है हम फ्लैप लगा लेंगे, जो ऊपर वाला फ्लैप रहता है वो लगा लेंगे। तो ये भी लगा लेते हैं, ये फिल्टर भी। याद रहे अगर आप पीछे से ग्रिल को बैठाएंगे, पीछे का लॉक अगर आपका बैठ गया मेन होता है वही लॉक, अगर लॉक नहीं बैठा आगे से जबरदस्ती करेंगे तो आपका कभी भी लॉक बैठेगा नहीं और एसी का ग्रिल जो है टूट जाएगा। अगर इसको भी क्या करना है आपको, सीधा लगाना है स्ट्रेट, आप देख पाएंगे मेरे हाथ को स्ट्रेट लगाना है। इसके लिए आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप इसमें जो लॉक रहता है वो नाजुक होता है, तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे लगा लेना है उसके बाद से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ये लॉक को बैठा लेना है। तो मैं ये लॉक को बैठाने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे होंगे एकदम आसानी से जो है लॉक बैठ चुका है, एकदम इजीली तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एकदम आसान तरीके से, आप देख पा रहे होंगे 20-30 सेकंड लगा होगा, लेकिन दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लॉक बैठा देना है, यहाँ पे लॉक रहता है आपको ये ध्यान दे देना है, और इधर भी एक लॉक रहता है। ये बैठने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आप पुल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम पुल करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा और ये हमारा जो फ्लैप है बैठ जाएगा, देख रहे हैं। इसलिए आपको कॉर्नर में हाथ लगाना है, अगर इसको डाउन करना है तो कॉर्नर में हाथ लगाना है, और उसके बाद से सिंपली जो है ऊपर का फ्लैप लग जाएगा। अब हमको जो है मेन जो हमारा बचा हुआ है वो स्विंग का जो पट्टी लगा हुआ है एयर डायरेक्शन का, वो हमको लगा लेना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो पट्टी लगानी है, पट्टी लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो है इधर लगा लें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर लगा लें और बीच में इधर लगा लें। ऊपर का स्विंग जो फ्लैप है वो लगाने के बाद आपको जो है नीचे वाला भी स्विंग फ्लैप लगा लेना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से आसानी से लग जाता है, एकदम प्यार से लगाइएगा, नहीं तो टूटने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि राइट साइड में इसका स्विंग मोटर रहता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा अच्छे से ये जो है स्विंग पट्टी जो है लग चुका है, यहाँ पे स्विंग का जो फ्लैप है वो लग चुका है। और मैं आपको पूरी एसी दिखा चुका हूँ कि लगने के बाद ये पूरा एसी जो है वो कैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरी एसी को, मैं आपको इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ कि लॉक कैसा बैठा है और इसका लुक जो है वो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉक जो है पूरी तरीके से बैठ चुका है, एकदम देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।